दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा। प्रदेश भर में अवैध खनन जोरों पर है। सरकार बदल गई है, प्रशासन बदल गया है, लेकिन प्रदेश के हालात नहीं बदले हैं। आज भी भूमाफिया कहें या फिर खनन माफिया कहें, बिना किसी लगाम के या बिना किसी रोक टोक के लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। फिर हम चाहे सीकर की बात करें, झुंझुनू की बात करें, जयपुर की बात करें, किसी भी जिले की बात करें, अवैध खनन जो है जोरों पर है। क्या ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की इस अवैध खनन पर अब तक कोई लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही है? मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाए कि किस प्रकार से रात के अंधेरे में अवैध खनन करते हैं और दिन में ये लोग गायब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो मिट्टी है, कीमती मिट्टी है, इसको रात के अंधेरे में उठाया या लगभग 8 से 10 ट्रोलियाँ जेसीबी लगा कर उठाया जा रहा है। आखिरकार सीकर जिले के रिंगस कस्बे में इस मिट्टी को किसके कहने से उठाया जा रहा है? क्या प्रशासन की अनुमति है या फिर भूमाफियों का ही कब्जा है? क्योंकि नदी बहाव क्षेत्र है जो पहले से अतिक्रमण हो चुका है और अब अतिक्रमण मुक्त कराना तो अलग बात है प्रशासन का। यहाँ से मिट्टी का भी अवैध खनन किया जा रहा है। राजस्थान में सरकार हनीमून पर है क्योंकि अवैध खनन पर लगाम अभी भी लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश में सरकार तो बदल गई लेकिन हालात अभी भी जस के तस ही है, क्योंकि सरकार भी मानो जैसे अभी हनीमून मना रही हो। फिर चाहे बात अपराध की हो या माफिया गिरोह की, प्रदेश में ये सब बेखौफ है। शिक्षा माफिया हो, खनन माफिया या भू माफिया, ये सभी अपनी करतूतों को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोई रोक लगती दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश में अवैध खनन जोरों पर है जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। पिछले सप्ताह सीकर जिले के खाटू श्याम जी इलाके में अवैध खनन से 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी। अवैध खनन सिर्फ दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी जारी है। हाँ, जब कोई हादसा होता है तो जरूर कुछ दिन खनन कार्य बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो पहले की तरह ही बदस्तूर जारी है। लेकिन ये तब तक नहीं रुक सकता जब तक सरकार कोई ठोस नीति लागू नहीं करती और उस नीति के लिए पर्याप्त नियम नहीं बनाए जाते, तब तक शायद ही प्रदेश में अवैध खनन रुक पाए। देखिए सीकर से बीएल सरोज की ये खास रिपोर्ट। वो आपके द्वारा ही मेरे को सूचना मिली थी और मैंने मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने जानकारी लेने की खूब कोशिश की और मैं लग रहा हूँ कि ये मिट्टी कौन उठा के ले जा रहा है, अवैध खनन कौन कर रहा है नदी से। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जल्दी से जल्दी उस आदमी का पता लगा के नगर पालिका प्रशासन को भी अवगत कराऊँगा। पहले भी कई दफ़ा मैंने नगर पालिका को अवगत कराया कि साहब जगह जगह से अवैध मिट्टी का खनन किया जाता है और कहाँ ले जाके डालते हैं ये लोग, क्योंकि जब भी मौका मिलता है, कभी रात में, कभी कोई नहीं होता है, लेकिन मेरी पूरी नज़र है इन पे। जब भी मेरे को मिलेंगे मैं आप लोगों को और नगरपालिका प्रशासन को ज़रूर अवगत कराऊंगा और इनके जो भी उपकरण है, ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी वगैरह, उनको भी मैं जब्त कराने की पूरी कोशिश करूँगा। देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब जागता है और कब ये अवैध खनन इस जिले सहित प्रदेश भर में लगाम इस पर लगती है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।